ओके सो लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट द काउंट द नोड इन द लिस्ट, है ना। लास्ट लेक्चर था हमारा हाउ टू काउंट द नोड इन अ लिस्ट। बेसिक ऑपरेशंस के बाद जो हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन देखा था वो हमारा नोड काउंटिंग का था। लेकिन जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि इंटरव्यूअर आपसे कौन सा क्वेश्चन का पूछ लेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि क्रिएट द नोड ओनली, ठीक है, बिकॉज देर इज लॉट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म इन द लिंक लिस्ट। ओके, तो अब हम जो अगला फंक्शन देखने वाले हैं जो कि आपने जनरली अरे पे पढ़ा है ना, अरे में हमने पढ़ा है ये कॉन्सेप्ट सर्चिंग, कि हाउ टू सर्च एन एलिमेंट इन अरे, एंड इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आपने सी पढ़ी है तो आपने सर्चिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लीनियर सर्च की हम बात कर रहे हैं। लेकिन वही लीनियर सर्च का प्रोग्राम यदि मुझे लिंक लिस्ट पे अप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि कलेक्शन तो लिंक लिस्ट भी है और बेटर है, डायनेमिक कलेक्शन है। तो यदि मुझे लिंक लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो हाउ वी सर्च द एलिमेंट इन लिंक लिस्ट। ओके, तो आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो सर्चिंग को लेके है। तो फिर वही हम जो स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं कि हम हर नए प्रोग्राम के लिए एक नया फंक्शन बनाते हैं हमारी मेनू में, जो हमारा बेसिक मेनू चल रहा है लिंक लिस्ट का, जिसमें हमने क्रिएशन के फंक्शन बनाए हैं, ठीक है, इंसर्ट के तीन फंक्शन हमने बनाए हैं, इंसर्ट फर्स्ट मिडिल लास्ट, डिलीट के हमने फंक्शन बनाए, उसी में आपको काउंटिंग का लास्ट टाइम हमने बनाया था उसी में आपको एक नया फंक्शन ऐड करना है, एंड दैट इज व्हाट सर्च। ओके, तो लॉजिक सर्च का वही है, केवल कॉन्सेप्ट चेंज इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारा जो बैकग्राउंड डेटा स्ट्रक्चर है वो है लिंक लिस्ट, ना कि अरे। तो अगर मुझे किसी लिंक लिस्ट में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो ये कंडीशन हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि यदि मेरा स्टार्ट नल पे है, दैट मींस लिस्ट नॉट फाउंड या लिस्ट नॉट एग्जिस्ट। लेकिन बॉस अगर लिस्ट है तो फिर मुझे इसमें पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है, और लीनियर सर्च के थ्रू हम चल रहे हैं, नो डाउट कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर सर्च की बहुत ज्यादा होगी, लेकिन यहां मेरा कॉन्सेप्ट कलेक्शन को लेके है कि अगर लिंक लिस्ट है तो सर्चिंग कैसे होगी। बाकी अभी जो फ्यूचर में हम सर्चिंग सॉर्टिंग के टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम अरे पे ही अप्लाई करेंगे। लेकिन कई बार इंटरव्यू में ऑफ द वे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्चिंग आपने अरे में तो पढ़ी है पर सर्चिंग लिंक लिस्ट में किस तरीके से होगी। तो लॉजिक सेम है, देखो आप, कि यदि मेरा स्टार्ट नल है तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं है सर्चिंग होने का। लेकिन अगर स्टार्ट नल नहीं है तो सबसे पहले जिस एलिमेंट को सर्च करना है वो हम यूजर से एंटर करते हैं, एंटर एन एलिमेंट फॉर सर्च। ओके, एंटर एन एलिमेंट फॉर सर्च, स्कैन कर लेते हैं उसे, स्कैन एफ परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट ऑफ एस। अब एस में वो एलिमेंट है जो आपको देखना है कि आपके लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दैट इज व्हाट सर्चिंग। तो देखो आप, जनरली अरे में सर्चिंग हम कैसे करते हैं, ये अगर मान लो आपका अरे है, सपोज दिस इज योर अरे, लिमिटेशन ये है कि अरे स्टैटिक होता है। अब यदि आपको अरे में से किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो जिस एलिमेंट को सर्च करना है उसको हम अरे के एक एक एलिमेंट से कंपेयर करते हैं, राइट, और जहां मिल गया वहां पर हम प्रोग्राम स्टॉप कर देते हैं, मीन्स लूप को स्टॉप कर देते हैं। ओके, सेम लॉजिक अगर हम लिंक लिस्ट पे अप्लाई करें, सेम अब ये मेरी लिस्ट है, दिस लिस्ट कंसिस्ट विद नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि मुझे इसमें से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो हम क्या करते हैं, हम टेम्प को स्टार्ट पे सेट करते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूं यार बॉस, आपको याद हो कि आप जब भी कोई नया फंक्शन बना रहे हैं आपको बस स्टार्ट पता है कि आपका स्टार्ट पहले नोड पे है, रिमेनिंग नोड पे कौन से पॉइंटर्स हैं, क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ओके, तो हमारा स्टार्ट अभी फर्स्ट नोड पे है, हमने टेम्प को स्टार्ट पे रखा, ठीक, और जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता है, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, हमने लूप चलाया, जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता है, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल। ओके, अब यदि मुझे चेक करना है तो एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, जो मेरे पास इसमें एलिमेंट है, सपोज इसमें मेरे पास एलिमेंट है 30, आई नीड टू चेक वेदर 30 एग्जिस्ट इन दिस लिस्ट और नॉट। तो मुझे लॉजिक तो वही ना, लीनियर सर्च, मुझे एक एक करके हर एलिमेंट से कंपेयर करना है, और जहां मिल गया वहां पर हम लूप को स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू नल, इफ यदि मेरा टेम्प का डेटा और एस इक्वल है, टेम्प में जो डेटा है और यदि आपने जिस एलिमेंट को सर्च करना है अगर दोनों इक्वल है, तो यहां पर हम डायरेक्टली प्रिंट नहीं लिखते कि सर्चिंग सक्सेस या नॉट सक्सेस, हम क्या करते हैं एक एफ कोई वेरिएबल ले लेते हैं, व्हाटएवर दिस वेरिएबल, इट्स अ टेंपरेरी फ्लैग वेरिएबल, ये फ्लैग वेरिएबल या तो हां होगा या ना होगा, मींस या तो जीरो होगा या वन होगा, राइट।
यदि मेरा एलिमेंट मुझे मिल गया, इफ एलिमेंट इज देयर, राइट, कि यदि मान लो ये कंडीशन ट्रू होती है, इसका मतलब है कि मेरा एलिमेंट है, तो हमने एफ को क्या कर दिया, वन, और लूप को कर दिया ब्रेक. क्यों किया लूप को ब्रेक? क्योंकि इसके बाद अब मुझे लूप कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि मेरा एलिमेंट मुझे मिल चुका है. ओके, तो देखो आप, यही बात आपने अरे पे भी पढ़ी होगी, वहां पर हमारे पास इंडेक्स नंबर होता है, यहां पर हमारे पास नोड्स है. ओके, तो हमने क्या किया, टेम्प को स्टार्ट पे रखा, जब तक टेम्प नल नहीं होता है हमने लूप कंटिन्यू किया, और कंडीशन क्या चेक की, यदि टेम्प का डेटा और एस बराबर है, इट मींस हमारा एलिमेंट मिल चुका है, मतलब हमने फ्लैग को वन कर दिया, लूप को ब्रेक कर दिया. फ्लैग इसलिए हमने लिया है क्योंकि अगर मैं यही सर्चिंग सक्सेस या नॉट सक्सेस लिख दूंगा तो मल्टीपल टाइम मुझे मैसेज मिलेंगे, सर्चिंग सक्सेस, सर्चिंग सक्सेस, सर्चिंग नॉट सक्सेस, सर्चिंग सक्सेस, क्योंकि लूप तो चल ही रहा है ना. वो जरूरी थोड़ी कि जो एलिमेंट आपने दिया है वो पहली पोजीशन पे हो, वो मिडिल में, लास्ट में कहीं भी हो सकता है. तो यदि आप इंटरनल लूप में ही प्रिंट कर देंगे तो वो तो दोनों केस के मैसेज प्रिंट करेगा ना. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रिंट का काम लूप के बाद करते हैं, लूप में प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं. लूप में हम केवल क्या कर रहे हैं, एफ को इनिशियली जीरो रखा है. यदि मुझे लूप के बाद भी एफ में जीरो मिला, इट मींस कि बॉस ये कंडीशन एक बार भी ट्रू नहीं हुई है, इट मींस कि मेरा एलिमेंट लिंक लिस्ट में नहीं है. लेकिन अगर मेरा एफ वन हो गया, दैट मींस मेरा एलिमेंट लिंक लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है. और अब लूप को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे अरे पे जब लूप चलता है तो हम आई प्लस प्लस लिखते हैं, यहां पर लूप कंटिन्यू करने के लिए हम क्या लिखेंगे, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प ऑफ एड. ये तो बॉस अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ ही गया होगा कि हम टेम्प पॉइंटर्स को कैसे मूव करते हैं लिंक लिस्ट पे. और ये कोई भी प्रोग्राम आप तभी देखें जब आप इसके बेसिक ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक है. और इसी का प्रैक्टिकल वाला पार्ट आप तब देखें जब आप थ्योरी लेक्चर पढ़ चुके हैं, क्योंकि अभी मैं इसके जस्ट प्रैक्टिकल पार्ट पे भी आने वाला हूं. जैसे मैंने आपको कमिट किया है कि हर वो प्रोग्राम जो हम क्लासरूम में देख रहे हैं, हम इसको सिस्टम पे टाइप करके रन करके भी देखेंगे. तो आप अगर डायरेक्टली प्रैक्टिकल वाला कोड देखोगे तो समझ में नहीं आएगा. एक बार आप इसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में समझो, फिर अगर आप इसका प्रैक्टिकल कोड देखोगे तो डैम श्योर आप डबल केस में जा रहे हो. आपने थ्योरी भी समझ ली, आपने प्रैक्टिकल भी समझ लिया, सो दैट द थिंग्स वुड बी वेरी इजी. ओके, अब इस एल्स को हमने यहां पर क्लोज किया और ये फंक्शन हमने क्लोज किया, ठीक है. सॉरी, इसमें एक चीज अभी हमारी बची है और वो ये कि बॉस इस लूप से तो मुझे केवल एफ जीरो या वन मिलेगा, राइट. अब मुझे ये देखना है कि मेरा लिस्ट में एलिमेंट अगर है तो एफ की वैल्यू वन होगी. तो हमने ठीक इस वाइल के बाद एल्स को क्लोज करने के पहले यहां पर एक कंडीशन चेक कर ली कि यदि एफ की वैल्यू वन है, प्रिंट एफ, सर्चिंग सक्सेस, एल्स प्रिंट एफ, सर्चिंग नॉट सक्सेस, एंड देन एल्स क्लोज एंड देन सर्च क्लोज, ठीक है. ये कोड आपको इसके बाद लिखना है, तो दैट्स व्हाई इसीलिए मैंने एरो लगा दिया है ताकि आप समझ जाए, ठीक. तो ये हमारा कोड है हाउ टू सर्च एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. आपको लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना है तो हमने क्या किया, पहले कंडीशन चेक कर ली लिस्ट है या नहीं है. अगर लिस्ट है तो एलिमेंट यूजर से स्कैन किया, लूप लगाया, जब तक हमारा टेम्प इस लिस्ट से बाहर नहीं निकल जाता है तब तक हम हर नोड के डेटा को इससे कंपेयर कर रहे हैं. यदि कहीं भी ये कंडीशन ट्रू हुई तो आपका प्रोग्राम लूप को आगे कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि एफ को वन करके हमने ब्रेक कर दिया है, ठीक है. लूप के बाद लूप को आगे कंटिन्यू, मान लो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो मुझे लूप को आगे कंटिन्यू भी करना है. कंटिन्यू करने के लिए हमने टेम्प को एक एक नोड पे आगे मूव करते गए और एट द एंड हमने चेक कर लिया यदि एफ वन है दैट मीन सर्चिंग सक्सेस, एल्स सर्चिंग इज नॉट सक्सेस. सिंपल लीनियर सर्च का प्रोग्राम है, ठीक है, जो आपने इससे पहले अरे पे पढ़ा था लेकिन अब हमने सर्चिंग देखी है लिंक लिस्ट पर. आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस. दिस इज हाउ टू सर्च द एलिमेंट इन लिंक लिस्ट. ओके, सो थैंक यू सो मच. अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी जिसमें हम बात करेंगे कुछ और नए ऑपरेशंस की जो ऑफ द वे ऑपरेशंस है हमारी लिंक लिस्ट के अपार्ट फ्रॉम क्रिएशन इंसर्शन, ठीक है. थैंक यू सो मच.